गुड़िया की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम मसूर दाल की इस पकौड़े की सब्जी बनाने जा रहे हैं। दाल को रात में भिंगा लिए हैं। दाल में हम हल्दी, नमक, लहसुन का पेस्ट डालकर उसको पीसना है। लहसुन आप थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। पीस लिए हैं दाल को। प्याज काट रहे हैं बारीक बारीक से। गर्म मसाले की सब्जी बनाने जा रहे हैं दाल का। और हम 3 प्याज लिए हैं, आपको अपने अनुसार लेना है। कढ़ाई में तेल डाल रहे हैं। तेल इतना अच्छा डालना है कि उसको पकौड़ा आप 7-8 डाल सकते हैं। देखिए हम इतना पकौड़ा डाल दिए हैं, 8-9 पकौड़ा हो गया है। इतना आपको भी इसी तरह डालिएगा। थोड़ा कम बनाइएगा तो कम में भी हो सकता है। बड़ा बड़ा पकौड़ा लेना है, बनाना है। अब हम उसको ग्रेवी बनाने जा रहे हैं। तेल डाल दिए और जीरा, तेज़पत्ता, मिर्चा ये सब डाल पहले डाल दिए। प्याज भी डाल दिए साथ में। प्याज डालकर उसको अच्छे तरह से मिला रहे हैं। देखिए कैसे मिला दिए, अच्छे से मिला दिए। मसाला पाउडर हम डाल रहे हैं। हल्दी डाल दिए, थोड़ा सा जीरा पाउडर, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और उसको नमक डाल दिए। मीट मसाला भी हम थोड़ा सा डालें, उससे टेस्ट अच्छा आता है। देखिए उसको डालकर नमक भी डाले हैं। नमक डालकर थोड़ा सा पानी डालकर उसको चला दिए हैं। लहसुन का पेस्ट डाल दिए हैं। लहसुन का पेस्ट डालकर हम मिला रहे हैं। नमक थोड़ा सा हम कम डाल दिए थे, इसलिए नमक थोड़ा और डाल रहे हैं। नमक डालकर थोड़ा सा उसको अच्छे से कम फ्लेम करके उसको मिलाना है, चलाना है। सब्जी मसाला पक चुका है, थोड़ा सा पानी उसमें डाल दिए। पानी अपने अनुसार डालना है। ढक दिए हैं, 10 मिनट तक ढके रह देना है। देखिए हो चुका है, 10 मिनट हो चुका है। उसमें पकौड़ा डाल दीजिए। ग्रेवी अच्छी तरह से आपके अनुसार अपना ग्रेवी डालिएगा। देखिए बहुत अच्छा हो गया, सब्जी बन चुका है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट हुआ है सब्जी। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, देखिए कितना अच्छा, बहुत ही अच्छा कलर आया है। थैंक यू।